जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा ऐसे है बेटा कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नाउ। द टॉपिक इज़ फाइनल अकाउंट, चैप्टर नंबर 10 है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि इसे कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल क्यों कहा जाता है। अच्छा एक बात आप ये जहन में रखिएगा कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन है ना, ये कोई फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल नहीं है, बल्कि ये लास्ट प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल है। कैसे, ज़रा देखिए। जो भी मतलब आपकी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं, उसको हम सबसे पहले एक किस्म की ट्रांजैक्शंस कंसिडर करते हैं। उस ट्रांजैक्शन से उसे बनाते हैं, हम जर्नल में लेके जाते हैं, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और इवेंचुअली हम आगे देखने के लिए कि इस पर्टिकुलर जो हमारा सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो रिकॉर्डिंग हुई है, उसको फिर हम ये एनालिसिस करने के लिए कि आया कि इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, इस पर्टिकुलर वे के अंदर, आइदर वी आर गोइंग टू जनरेट अ प्रॉफिट और सफरिंग फ्रॉम द लॉस, और व्हाट इज़ द करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए हम क्या बनाते हैं जनाब, फाइनल अकाउंट। और फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। देखें स्टार्टिंग पॉइंट ट्रांजैक्शन है और एंडिंग पॉइंट क्या है, फाइनल अकाउंट। दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो नोन एज अ कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा एक बात जहन में रखिएगा कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, गोज़ इनटू द बिजनेस, ठीक है, विद द आइडिया ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। जाहिर बात है अगर मैं कोई कारोबार स्टार्ट करूँगा तो पीछे लॉजिक मेरा यही है कि आई हैव टू जनरेट द प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट है, आई गॉट द राइट टू अर्न दैट वन, दैट वुड बी द रिवॉर्ड ऑफ माई एफर्ट्स, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन होता है, एक बिजनेसमैन होता है, उसकी कोशिश यही होती है कि वो प्रॉफिट जो जनरेट करे विद द पैसेज ऑफ टाइम, उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, ठीक है। और वो मैक्सिमाइज करे क्या, किस तरह, कि विद द स्मॉलेस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट, कि उसके पैसा कम लगे और उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। अच्छा अब एक बात जहन में रखिएगा, जो बेसिकली अकाउंटिंग का रोल है ना, वो डाटा को एक्युमुलेट करता है, ठीक है, इन ऐसे सर्टेन मैनर्स के अंदर अकोमोडेट करता है, एक्यूमुलेट करता है कि उससे पता चल सके कि आया कि उसे कोई बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ठीक है। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड याद रखिएगा, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड है दैट्स अ वन ईयर पीरियड। अच्छा ये जो फाइनल अकाउंट्स होता है ना, ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपने बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट की गई हैं उसके बिहाफ पे हम ये डिस्कवर कर सकें कि बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटीज़ क्या है। एक बात याद रखिएगा कि जो एक होता है बुक कीपर, एक होता है अकाउंटेंट, एक होता है ऑडिटर। बुक कीपर का काम क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जनरल और लेजर और ट्रायल बैलेंस का काम करना, ठीक है, बुक्स को मेंटेन करना, रिकॉर्डिंग करना, इसे बुक कीपर कहते हैं। लेटर ऑन फिर प्रॉफिट या लॉस को एनालिसिस करने के लिए ये काम जाता है अकाउंटेंट के पास, वो फिर प्रिपेयर करता है फाइनल अकाउंट। फिर लेटर ऑन देखना जाता है कि ये जो फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन हुई है, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन बेसिस पे तो नहीं हुई, इस चीज़ को चेक करने के लिए ऑडिटर का रोल आता है, हमने उस पर नहीं जाना, हम अकाउंटेंट तक आएंगे। बेसिकली आपको पता है कि ये जो लेजर्स होते हैं, ये कई लेजर्स हो सकते हैं, 1000 पेजेस के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये जो लेजर्स वगैरह है, आपको पता है आपने लेजर्स बनाया है, 8, 10, 12 पेजेस पे भी जा सकते हैं, फिर लेटर ऑन आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट जो होता है वो कंसिस्ट करता है दो पर्टिकुलर टर्म्स के ऊपर। नंबर वन इज़ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर टू नो अबाउट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये बात आपने जहन में रखनी है। व्हेन कम्स टू द बैलेंस शीट, व्हेन एवर वी वॉन्ट टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वी गो विद द बैलेंस शीट, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो जहाँ पे ट्रायल बैलेंस ख़त्म होता है, यानी कि जो एंडिंग पॉइंट होता है बुक कीपर का ट्रायल बैलेंस, दर हकीकत वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है फाइनल अकाउंट का, ये बात आपने जहन में रखनी है। जब हम जाते हैं ना ट्रायल बैलेंस की तरफ, तो ट्रायल बैलेंस जब एंड होता है, हमें 5 किस्म के बैलेंसेज देता है। सबसे पहले बैलेंसेज ऑफ एक्सपेंसिस भी होते हैं, उसमें रेवेन्यूज भी होते हैं, आपको पता है एसेट्स भी होते हैं, लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, और कैपिटल भी होता है। ये 5 किस्म के बैलेंसेस बनाते हैं। ये जो पहले 2 बैलेंसेस है ना, एक्सपेंस और रेवेन्यू, ये आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और जो नीचे 3 बैलेंस होते हैं उसकी डिस्कशन किस में होती है, बैलेंस शीट के अंदर, इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। कैसे है, यानी कि कहने का मकसद, ये 2 बातें इस घर की हैं और ये 3 बातें इस घर की हैं। इधर वाली बातें इस घर में नहीं आ सकती और इधर वाली बातें इस घर में नहीं आ सकती, ये क्लैरिटी आपको आनी चाहिए।
अच्छा अब रेवेन्यू क्या है, हमें पता है जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड के रिस्पांस में जो भी हमें प्राइसेस मिलते हैं वो रेवेन्यू होता है। लेकिन कॉमन लैंग्वेज में जो रेवेन्यूज़ हैं वो टैक्स और इनकम्स हैं। व्हेन कम्स टू द इंडिविजुअल वो इनकम होती है, कम्स टू द गवर्नमेंट परस्पेक्टिवली वो टैक्सेस होते हैं। लेकिन बिजनेस लैंग्वेजेस में जब बिजनेस की बात करें तो जो सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज है वो हमारी रेवेन्यू होती है, यानी कि चीज़ें बेचने के बाद या सर्विसेज के अगेंस्ट जो हमारे पास आती हैं वो हमारी रेवेन्यू होती है। अब रेवेन्यू जनरेट करने के सोर्सेज तो डिफरेंट हैं। देखें जैसे सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट रिसीव आप करते हैं, डिविडेंड रिसीव करते हैं, कमीशन रिसीव करते हैं, डिस्काउंट रिसीव करते हैं, या कोई पर्टिकुलर एसेट बेचने के बाद जो आपको प्रॉफिट आता है, ये तमाम जो सोर्सेज हैं ये सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज हैं। लेकिन याद रखिएगा रेवेन्यूज जो होते हैं बेटा वो दो किस्म के होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रेवेन्यू डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। याद रखिएगा ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें अंडरस्टैंड करते हैं नेचर ऑफ जॉब के साथ, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। लेट्स सपोज मैं टीचर हूँ तो मैं जो कमाऊँगा वो कैसे कमाऊँगा, लोगों से फी रिसीव्ड करके, या मैंने फी रिसीव्ड नहीं लिखा, एक रेवेन्यू का सोर्स फी रिसीव्ड भी होता है, तो मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर देता हूँ, फी रिसीव्ड, ठीक हो गया जी। अच्छा अब एक बात आप जहन में रखिएगा कि अब ये मैं सेकंड मूवी के अंदर ये बात बताता हूँ ताकि थोड़ा सा लंबा ना हो सिलसिला।